उधार वाला घटाना। मैं समझती हूँ आप तैयार हैं और मैं समय नहीं बर्बाद करूँगी, आपका बिल्कुल टॉपिक पर चलती हूँ। देखिए बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है उधार वाला घटाना। उधार का मतलब कि जब किसी से हमारे पास कोई वस्तु कम होती है या रुपए पैसे कम होते हैं तो हम किसी से लेते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ दिन के लिए दे दो, हम आपको बाद में दे देंगे। कुछ ऐसी ही घटना इस सवाल में आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 6। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि घटाना है तो घटाना है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जस्ट यहाँ पर देखना है कि ऊपर छोटी संख्या है, छोटा अंक है या बड़ा है। अब अंक क्या है यहाँ पर, यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 7 है। इसी से पता चलता है कि ऊपर वाली अगर अंक छोटी है, ऊपर का अंक छोटा है, तो हम उधार लेंगे, हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कहता है मुझे 7 चाहिए, तो ये कैसे देगा, इसके पास ये तो 6 ही है, ये तो छोटा है, इसके पास कम है, तो ये कैसे दे सकता है इसको। इसलिए क्या करना होगा, इसमें इससे ये ले लेगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा। जब हमारे पास कोई सामान नहीं होती है तो हम अपने बगल वाले के पास जाते हैं ना, तो हम अपने ये जाएगा 6 अपने बगल वाले के पास जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये इकाई पर है, कहाँ है ये इकाई पर, और ये कहाँ पर है दहाई पर, तो दहाई क्या होता है 10, दहाई क्या होता है 10, तो यहाँ से लेगा ये 10 अंक लेगा जब, तो यहाँ हो जाएगा 10 में 6 जोड़ दिए जाए तो कितना हो जाएगा, 10 6 16, तो ये बन गया 16। अब 16 बन गया, अब 16 में से 7 हटाने हैं आपको, तो आप लाइनें भी कर सकते हैं, 16 लाइनों में से 7 लाइनें हटानी है आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब 16 में से आपको 7 लाइनें हटानी है। घटाना है तो हटाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हटा दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हट गई। अब गिनने की बारी है, देखिए गिन लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, टोटल लाइनें 16 खींची थी, अब मैंने 16 में से 7 हटा दी, 7 लाइनें हट गई, तो कितना बच गया, 16 में 7 गए तो कितनी लाइनें गिनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर जो बची लाइनें उन्हें गिन देंगे। बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि इससे हम उधार ले रहे हैं, उधार दहाई से ले रहे हैं, इसलिए 10 इस पर जुड़ जाएगा, कोई भी अंक लिखा होगा उस पर 10 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए हमको उधार लेना पड़ा है। चलिए जब इसको इसने यहाँ से दे दिया तो इसके पास एक अंक कम हो जाता है, दिया 10 था लेकिन इसमें एक कम हो जाता है, तो बचा कितना था यहाँ पर, एक कम हो गया 9 में से, तो कितना बचा 8, 9 में से एक चला गया उधर तो कितना बचा 8, अब 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 8 में से 6 2 गया तो कितना बचा 6। आ गया समझ बच्चों, अगर आ गया तो हम अगले सवाल पर चलते हैं, घटाना है। अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, 0 का मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अब समझ जाइए आपकी ये उधार वाला घटाना है। अब हमको इससे लेना होगा, तो आपको पता है कि ये इकाई है और ये दहाई है, जब इकाई वाले को दहाई से लेना है यानी कि 10 इस पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी संख्या हो गई, क्योंकि 0 है, अब 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 के 10 ही रहेंगे, ये आपको पता है, 10 में 0 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में से हमको 10 लाइनें खींचनी होगी क्योंकि 10 है ऊपर, अब 10 लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें खींची और 2 उस पर हटानी है, क्योंकि घटाना है तो हटा देते हैं।
कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देंगे यहाँ पर 8। अब यहाँ पे एक कम हो गया था तो कितना बच गया यहाँ पर 7। अब 7 में से 2 हटा देंगे तो आप 7 लाइनें खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से आप 2 लाइन हटा दो, 2 हटा दिया, बची क्या 1 2 3 4 5, कितना बचा 5, 58 58 शेष बच गया। अगला सवाल पर चलूँ मैं, क्योंकि मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला ऊपर कितना लिखा हुआ है 6, अब 6 यहाँ पर लिखा और यहाँ 9 है, तो ये तो छोटा है ना बड़ा, जब ये छोटा है इसका मतलब फिर से वही प्रक्रिया करनी है, उधार लेना होगा। जब इससे लेंगे तो हम कितना लेंगे, क्योंकि दहाई में है तो 10 जुड़ जाएगा, 10 6 16 हो गया, तो 16 लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लाइनें खींच लिया, 16 में से 9 हटाएंगे, 9 लाइनें हटाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से 9 लाइनें हटा दी। अब गिनते हैं शेष बची लाइनों को, 1 2 3 4 5 6 7 कितना लिखेंगे यहाँ पर 7, आया बच्चों। अब अगला सवाल, अगला अंक है 7, कितना है 7, लेकिन इसको दे दिया था, इसने इसको 1 दे दिया था तो यहाँ बच गया 6। अब 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा, ये आपके पास देखिए कितनी उंगलियाँ हैं पूरी गिनेंगे 6। अब 6 में से 1 हटा दिया, कितनी बच गई 5, कितनी बच गई 5, लिख लेते हैं यहाँ पर 5। अब देखिए मैं समझती हूँ कि आपको ये सब आ गया होगा, आपको ये सब आ गया होगा। अब देखिए आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क जो है आपका वो ये 2 सवाल हैं और आपको ये करके ग्रुप में शेयर करना है, अगर आपको आ गया है तो आप 100% इसको कर लेंगे और मैं समझती हूँ आप ही क्या होगा, इतना इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है, ध्यान से सुना है आपने और दोबारा इसको आप वीडियो को सुन सकते हैं। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही बच्चों।